हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड की। यहाँ पे अगर आप देखोगे शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स की, तो स्टॉक प्राइस अभी 227 रुपए पे देखने को मिल रहा है। 6 मंथ में यहाँ पे 5% की तेजी देखने को मिला है मात्र, और 1 ईयर की बात करें तो 100% का रिटर्न देता हुआ नजर आया है स्टॉक। यानी अगर हम बात करें तो 100 रुपया के करीब करीब यह स्टॉक ट्रेड किया करता था 2023 में, यहाँ पे मार्च अप्रैल में, और उसके बाद इस स्टॉक में एक तरह से अच्छी रैली देखने को मिला और आपके प्राइस को एक तरह से डबल कर दिया दोस्तों। तो शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड का यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपके साथ साझा करने वाला है। क्या आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है या नहीं बन सकता है, वो सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आप देखें 5 ईयर्स में 701% का रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और मैक्सिमम रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 1211% का रिटर्न आपको कंटिन्यू देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर। अब हम आते हैं पॉइंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं शारदा एनर्जी मिनरल्स लिमिटेड 8013 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और यहाँ पे इस कंपनी की जो पी आपको देखने को मिल रहा है मात्र 14 के पी पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 23 पे, तो इंडस्ट्री के पी से इसका पी तो सस्ता ही है, कम ही है। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए कि यहाँ पे स्टॉक अभी सस्ता है। कुल मिला के 100% रिटर्न देने के बावजूद भी यह स्टॉक अभी सस्ता है। यहाँ पे कंपनी की जो बुक वैल्यू ही है 104 रुपये का है, और कंपनी की जो ROCE या ROE देखोगे तो ये दोनों चीजें कंपनी का काफी शानदार नजर आता है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड देखें तो यहाँ पे कंपनी 0.33% का यहाँ पे डिविडेंड भी पे करते रहती है अपने शेयर होल्डर को। इसके साथ साथ अगर आप देखें प्रमोटर खुद यहाँ पे 72.6% की होल्डिंग रखे हुए हैं, और यहाँ पे EPS 15.60 रुपया का कंपनी जनरेट कर रही है पर शेयर पे। दोस्तों यहाँ पे डेप्ट देखें तो 1220 करोड़ का है, जो डेप्ट इक्विटी 0.33 का है, यानी कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा रखा हुआ है। 3634 करोड़ का इनके पास रिजर्व देखने को मिल रहा है, तो रिजर्व कंपनी के पास बहुत शानदार है। और इसके साथ साथ अगर पेट्रोस्किल्स को देखोगे तो ये भी 7 की रेटिंग पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ग्राम नंबर के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस 191 रुपया होनी चाहिए, लेकिन 191 से ऊपर प्राइस अभी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम बात करें इनके इंडस्ट्री के पी पे अगर जाता है इसका शेयर, तो भी यहाँ से एक तरह से अगर हम देखें तो 80-90% आपको रिटर्न इजीली से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं और सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पे कंपनी शारदा एनर्जी मिनरल्स रिसेंटली अपनी एक तरह से कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है। जो आपको पता होगा कि शारदा ग्रुप से बेसिकली ये कंपनी बिलोंग करती है, और इनका जो काम है स्टील फेरोलाउस एंड पावर में काम करती हुई नजर आती है। और अभी रिसेंटली इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप एक बार नज़र डालोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग तो बरकरार ही है कंटिन्यू। एक तरह से प्रमोटर अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बरकरार रखे हैं, और जहाँ तक अपनी होल्डिंग इंक्रीजिंग की है, लेकिन FIs होल्डिंग यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। तो FIs अगर कंटिन्यू इंक्रीज कर रही तो यहाँ पे कुछ तो बात है। DIs की अगर हम बात करें तो DIs बहुत ज़्यादा सेल नहीं की है, DIs इंक्रीज कर रही थी, तो माइनॉरिटी स्टेक यहाँ पे सेल करती हुई नजर आई है यहाँ पे दिसंबर 2023 में। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर पब्लिक के पास जो होल्डिंग 25% रहा करता था, आज के डेट में 20% पे आ गया पब्लिक की होल्डिंग। तो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कम होता हुआ नजर आ रहा है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स के अंदर दोस्तों। इसके साथ साथ इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे दिसंबर क्वार्टर की अगर हम बात करें, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो डाउन हुआ है, लेकिन कंपनी का जो सेल्स है वो 908 करोड़ से बढ़कर 925 करोड़ हो गया है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% से घट के 20% हुआ है। इसके साथ देखें इनका प्रॉफिट 130 करोड़ से घट के 114 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड मार्जिन डाउन हुआ, लेकिन सेल्स बढ़ा है। तो आने वाले ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होता है किसी भी कंपनी में। आपको पता है कि कभी कंपनी का अच्छी प्रॉफिट कर देगी, कभी कंपनी थोड़ा सा कम प्रॉफिट कर रही है, कंसिस्टेंट नहीं कर रही है। तो वो कंपनी के एक तरह से डिमांड के ऊपर ये सब सारी चीज़ें होता है, कंपनी के प्रोडक्ट के डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, और उनकी प्राइस क्या है अभी मार्केट में उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट, जो यहाँ पे एक तरह से देखें तो मार्केट में जो इन्फ्लेशन एक तरह से चल रहा है, और यहाँ पे एक तरह से अगर आप कह सकते हैं कि मार्केट में जो महंगाई है उसकी वजह से भी ये सब चीज़ों पे इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आता है थोड़ा सा। अगर हम बात करें इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है,
तो कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल 35 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो इक्विटी कैपिटल पहले 36 था, अब 35 है, यानी मतलब इन्होंने अपनी इक्विटी कैपिटल को कम किया है। यहाँ पे रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कंपनी कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है और यहाँ पे बोरोइंग यहाँ पे कंपनी कम करती हुई नजर आती है। तो कंपनी यहाँ पे इस वे में काम कर रही है कि इनकी बोरोइंग कम से कम हो और रिजर्व ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे कंपनी को आने वाले टाइम में एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। इसका मेन रीजन कंपनी अपना कैपेसिटी भी एक्सपेंड कर रही है। तो यहाँ पे CWIP में आप देख सकते हैं कंपनी कंटिन्यू वर्क कर रही है, इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यू कर रही है और साथ साथ यहाँ पे कंपनी का टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों ये था बेसिकली शारदा एनर्जी का एक शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस। अगर यहाँ पे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऑल वाला बेल आइकन सेलेक्ट करके। दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए डिटेल्स दिया हूँ। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।